दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पीओके को अंजाम देने के लिए तैयार है। तैयारियां सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हो रही हैं। एयरफोर्स के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक मिलिट्री साजो सामान सब कुछ मिलकर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले कश्मीर में चल रही इन तैयारियों को देखिए। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 के जरिए कश्मीर घाटी में हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया। कश्मीर के उत्तरी इलाके में वायुसेना ने एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से रात में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें वायुसेना के तीन प्रमुख हेलीकॉप्टर चिनूक, MI-17 और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इन तीनों हेलीकॉप्टर से बड़ी संख्या में सैनिकों को एयरलिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। ऐसा करके बहुत ही कम वक्त में सैनिकों को किसी भी खास इलाके में पहुंचाया जा सकता है। कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के 3.5 किलोमीटर के एक हिस्से पर आपातकालीन लैंडिंग का ऑपरेशन हुआ। ये दरअसल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के 246.200 किलोमीटर से 249.700 किलोमीटर तक बनाया गया है और बिजबारे इलाके में इसको बनाया गया है। और इसका आमतौर पर अगर हम बात करें जो इस्तेमाल है वो खासकर जो माना जा रहा है, ये सुविधा जो है युद्ध के समय, बाढ़ के समय, NDRF जब बचाव कार्य करती है उस समय, या फिर राहत सामग्री को जब बांटना होता है उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए इसको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कश्मीर घाटी के लिए माना जाता है। मैं आपको बता दूं, वर्ष 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और करीबन 119 करोड़ रुपए की लागत से ये स्ट्रिप जो है इसको तैयार किया गया है। और इसे कश्मीर घाटी के लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने ऐसी ही सिक्योरिटी ड्रिल कई दूसरे इलाकों में भी की। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी से रात में सैनिकों के काम करने की क्षमता और बेहतर होगी। रात के ऑपरेशन में किसी भी तरह की रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसे ऑपरेशन में साफ साफ देखने के लिए पायलट और सैनिक नाइट विजन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट विजन डिवाइस रात में भी दिन की तरह देखने की सुविधा देती है। घोर अंधेरे में दुश्मनों की नजरों से बचकर सैनिकों को कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। यानी आज की तैयारी भविष्य में वायुसेना के किसी ऑपरेशन का हिस्सा हो सकती है। वायुसेना पहले सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऐसा ऑपरेशन अंजाम दे चुकी है, लेकिन जब भी कोई ऑपरेशन कश्मीर में होता है तो पाकिस्तान को पीओके वाला डर सताने लगता है। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस्लामाबाद की टेंशन को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। जब तक इंडी एलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। क्या नए भारत का अगला मिशन पीओके में शुरू होने वाला है? 2024 में ही पीओके में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एयरफोर्स के ऑपरेशन को देखकर सीमा पार चल रही पीओके वाली बेचैनी गलत नहीं है। अब इसकी वजह भी देखिए भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई इन तस्वीरों में। सेना की पश्चिमी कमांड के सैनिकों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से आसमान में पहुंचकर वहां से छलांग लगाई। इस तरीके को कॉम्बैट फ्री फॉल कहा जाता है। इस पे 30,000 फीट तक की ऊंचाई से जंप लगाकर पैराट्रूपर्स बिना दुश्मन को बताए उनके इलाके में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। ऐसे ऑपरेशन दिन या रात किसी भी समय अंजाम दिए जा सकते हैं। तस्वीरों में देखिए सभी स्काई डाइवर्स एक साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं।
इनकी कलाई पर एक मशीन लगी होती है जो इन्हें पैराशूट खोलने का सही समय बताती है। फिर तय समय पर पैराशूट को डिप्लॉय किया जाता है जो इनके नीचे गिरने की रफ्तार को धीमा कर देता है। ऐसे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में कमांडो साजो सामान और गोला बारूद लेकर सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही आसमान से जमीन तक पहुंच सकता है। ऐसा लगता है सेना किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार है और इसकी तस्वीरें जारी करके वो संदेश दे रही है। तो क्या ये वीडियो भी ऑपरेशन पीओके का एक चैप्टर है जिसकी तैयारी सेना की वही पश्चिमी कमांड कर रही है जिसकी तैनाती पाकिस्तानी सीमा पर है। सीमा पर क्या हो रहा है इसका इशारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने भाषण में दे रहे हैं। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवान किस प्रकार का करिश्माई काम कर रहे हैं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, सारे विश्व को यह संदेश चला गया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। रक्षा मंत्री का मैसेज बॉर्डर के दूसरी तरफ भी सुना गया होगा। राजनाथ सिंह ने कहा भारत ताकतवर देश बन चुका है। तो क्या पीओके वापस लेने की तैयारी पूरी हो चुकी है? वायुसेना की एक और तैयारी कुछ ऐसा ही बता रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वायुसेना ने रात में ऑपरेशन किया। अनंतनाग से 950 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क पर लड़ाकू विमान को लैंड कराने का ऑपरेशन किया गया। उन्नाव की पूरी खबर आपको बताएंगे, पर देश में वायुसेना की जोर शोर से चल रही तैयारी सिर्फ एक अभ्यास है या पीओके का रिहर्सल, ऐसा मानने के पीछे वजह है पीएम मोदी के चुनावी भाषण में मौजूद संकेत, जिनसे लगता है कि 2024 में चुनाव का नतीजा आने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। भारत की सेना और प्रधानमंत्री से देश के 140 करोड़ लोग पीओके की वापसी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अब लग रहा है कि मानो मिलिट्री की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। यूपी से वायुसेना की ऐसी ही तस्वीर आई जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास किया गया। ये गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जगुआर और मिराज जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। ऐसा करने के लिए यहां पर एक कंट्रोल रूम और एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया। एयरफोर्स ने अपने सबसे शानदार लड़ाकू विमान को उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या ऐसा ही शक्ति प्रदर्शन पाकिस्तानी सीमा पर होने वाला है? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भारत से फाइटर एयरक्राफ्ट की आहट आई तो पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई। अगर कभी संघर्ष हुआ तो वायुसेना की यही लड़ाकू विमान मोर्चे पर दुश्मनों को बर्बाद करते नजर आएंगे। यानी संभव है कि पीओके से ऐसी ही तस्वीर आएंगी। पीएम मोदी कई बार ऐसे मैसेज दे चुके हैं। अब लग रहा है कि 2024 में भारत ने पीओके की वापसी की समय सीमा ठान ली है और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर भारत का ऐलान सुनकर इस्लामाबाद हलकान हो गया है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।